तो दोस्तों वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज मेरे पास है 2023 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक OBD2 BS7 डिस्क वेरिएंट, जो कि बाइक का टॉप वेरिएंट है, और इसका प्राइस फीचर सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो वीडियो का एंड तक बने रहना। तो इसका प्राइस से शुरू करते हैं। इसका 1,02,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है प्राइस रेंज, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। 3 कलर्स ऑप्शन के साथ ये अवेलेबल है, रेड, ग्रे और ब्लैक। ये आप ग्रे कलर देख रहे हैं। माइलेज क्लेम बाई कंपनी इज 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर एंड टॉप स्पीड है ऑलमोस्ट 95 to 100 किलोमीटर पर आवर। तो हेडलैम्प से शुरू करते हैं। इसका फ्रंट में आपको LED DRL मिलता है और 2 स्प्लिटेड हेडलैम्प मिलता है, जो कि फुल LED सेटअप में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और 3D का हीरो का लोगो आपको फ्रंट वाइजर पे को मिलता है, जो कि फुल ब्लैक फाइबर बॉडी में मिलता है। और इंडिकेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बल्ब में ही इंडिकेटर मिलता है। मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है इंडिकेटर। यहाँ पे आपको LED का सिस्टम नहीं मिलता है इंडिकेटर्स पे, और यहाँ पे आपको ग्रे कलर के ऊपर आपको एक वाइट और रेड का आपको एक स्टिकर वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा लगता है बाइक पे। और यहाँ पे आपको फ्रंट लुक और आपको सस्पेंशन जो मिलता है वो कि हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है सामने, और आपको मडगार्ड यहाँ पे मैट ग्रे फिनिश में बॉडी कलर पे मिलता है, जो कि अगेन काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। टायर साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 80x100 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, और वह भी डिस्क ब्रेक के साथ। और डिस्क ब्रेक का डायमीटर का साइज़ की बात की जाए तो 240mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विथ बाइबल का कैलिपर। इसका मीटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और इसके साथ आपको साइड स्टेयर इंजन कटअप भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक सेफ्टी फीचर आपको बाइक में देखने को मिलता है। तो ज़्यादा डिटेल्स में बाद में नहीं करूँगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने एक रेड कलर का वीडियो बना रखा है, जो रेड सुपर स्प्लेंडर है, उसका वीडियो आई बटन में आ रहा होगा, तो डू चेक इट आउट। तो अब सीधा इंजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। तो इसमें जो इंजन मिलता है वो आपको 124.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन मिलता है, जिसका मैक्स पावर है 10.72 BHP एंड मैक्स टॉर्क है 10.6 Nm। 5-speed गियरबॉक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल, जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं। पहले आपको 4-speed गियरबॉक्स अवेलेबल था पहले, तो इसका सिस्टम जो है 1 down 4 up, जो कि गियर पैटर्न है। और अगर हम बाइक का थोड़ा सा रियर सेक्शन में आए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो टेल लैंप है वो आपको LED में नहीं मिलता, वो आपको यहाँ पे नॉर्मल बल्ब में ही देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे रियर टायर की बात की जाए तो यहाँ आपके सेम 80x100 का 18 inch का एलॉय व्हील के साथ आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, और वो भी ड्रम ब्रेक के साथ। पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, सिर्फ सामने ही मिलता है। तो यही था कुछ स्पेसिफिकेशन नॉर्मल बाइक का। और यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, जैसे कि नॉर्मल बाइक्स में मिलता है। तो फिलहाल आपको मैं एक बार एग्जॉस्ट नोट बाइक का सुना देता हूँ। तो चलिए एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं।